जिन गांव वासियों ने हिमाचल के विकास के लिए अहम योगदान दिया है, यहां तक कि मां कही जाने वाली जमीन अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए औद्योगिक इकाइयों को हंसते हंसते दे दी थी, लेकिन जो वादे सरकार और औद्योगिक इकाइयों ने उनसे किए थे वे आज पूरा होते नजर नहीं आ रहे हैं। उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो चुका है। हिमाचल के औद्योगिक विकास के लिए अपनी जमीन की आहुति दे चुके किसानों की आज सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब ना उनके पास जमीन है और ना ही कोई रोजगार। वे गांव के प्रधान से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है और उनको कोई उनका हक दिलवा भी नहीं रहा है। गांव के बेरोजगार युवाओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि पहले सरकार के दबाव में उनसे जमीनें छीनी गई और उस समय जो रोजगार देने का वायदा किया गया था उसे सरकार और औद्योगिक इकाइयां भूल चुकी हैं। यहां तक कि वे कई बार आवाज उठा चुके हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। आलम यह है कि गांव के युवा बेरोजगार हैं और नशे की आगोश में समाते जा रहे हैं, इसलिए मांग करते हैं कि उनका हक उन्हें जल्द लौटाया जाए, अन्यथा आने वाले समय में वे संघर्ष का रास्ता इख्तियार करेंगे। आज उपायुक्त सोलन जी से मिल के आए तो उनका रवैया भी हमारे को नकारात्मक ही लगा कि मतलब आपने जमीनें दी तो उसके बदले आपको पैसा मिला, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वो पैसा हमें किन दरों पर मिला और किन शर्तों के साथ मिला, और जो शर्तें मतलब हुक्मरानों ने हमारे लिए की थी कि इनके बच्चों के लिए या फिर अगली पीढ़ियों के लिए रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार तो मतलब उसके मायने ही खत्म हो चुके हैं। हम चाहते हैं सर कि जो हमारा युवा है वो कम से कम मतलब दो दो प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं, और युवा मतलब सरकार भी आज की डेट में ऐसा बोल रही है कि आप लोग बाहर नहीं जा सकते। अब सरकार ये बताया कि 7,000-10,000 रुपए लेके अगर बंदा बाहर जाकर नौकरी करेगा तो करेगा क्या? अगर 20 साल बाद वापस भी आएगा यहाँ पे तो वो वैसा ही आएगा। तो इनके बोलने का मतलब कि हम मतलब अपनी जमीनें जो है वो इन कंपनियों को देते और उसके बाद मतलब यूपी बिहार जाकर नौकरी करें, या मतलब पलायन ही करते यहाँ से। मतलब हमारी अधिकतर जमीन अंबुजा सीमेंट ने ले ली है, अधिकतर कृषि योग्य जमीन, पर उस टाइम हमें लिखित में दिया गया था कि हमें रोजगार में प्रायोरिटी दी जाएगी, अन्य कामों में प्रायोरिटी दी जाएगी, पर अब कंपनी द्वारा सारी अनदेखी की जा रही है और हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हम सीएम सर से लेकर डीएसपी, एसडीएम, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सभी के पास दो दो बार जा चुके हैं पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। हम सारे युवा तकनीकी शिक्षा लेके घर में बैठे हुए हैं। हमने सभी ने तकनीकी शिक्षा इसी इसी उस पे ली थी, बेस पे ली थी कि हम अंबुजा में काम करेंगे, और पर अब ऐसा लग रहा है कि हम क्या, हमारा आने वाला भविष्य भी कभी अंबुजा में काम नहीं कर पाएगा।